हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बैगन का भरता की एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने बैगन को रोस्ट करके बनाया है। स्मोकी फ्लेवर बैगन के भरते का स्वाद बिल्कुल यूनिक होता है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी भरते को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है, एक इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट लिया है, दो लहसुन की कली को बारीक काट लिया है, दो लहसुन की कली को साबुत लिया है, तीन ग्रीन चिल्ली को बारीक काट लिया है, एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक काट लिया है, थोड़े से धनिया पत्ती को बारीक काट लिया है, एक छोटी चम्मच जीरा लिया है, एक छोटी चम्मच नमक लिया है, एक छोटी चम्मच हल्दी लिया है, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर लिया है, सरसों तेल लिया है, एक बड़े साइज़ का बैगन लिया है। सबसे पहले बैगन में थोड़ा सा कट करेंगे और इसके अंदर एक लहसुन की कली को डाल देंगे। बैगन के दूसरे साइड भी एक कट करेंगे और एक लहसुन की कली को इसके अंदर डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बैगन के ऊपर एक चम्मच सरसों का तेल डालकर इसे अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देना है। इससे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। बैगन को जाली स्टैंड पे रखकर इसे रोस्ट करना है। बैगन को उलटते पलटते हुए इसे चारों तरफ से रोस्ट करना है। अब बैगन चारों तरफ से रोस्ट हो गया है, गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब बैगन ठंडा हो गया है, अब इसे छील लेना है। बैगन में तेल लगा दिया था, इसीलिए इसके छिलके आसानी से निकल जा रहे हैं। इसके आगे के पोर्शन को चाकू से काट देना है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से छील लिया है। अब पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, जीरा लाल हो गया है। अब इसमें कटे हुए अदरक और लहसुन को डालकर भून लेना है। इस भरते को सरसों के तेल में बनाने से ये काफ़ी टेस्टी बनता है। इसमें अदरक लहसुन को बारीक काट कर ही डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट ना डालें, इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब अदरक और लहसुन अच्छी तरह से भून गए हैं, अब इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को भी अच्छी तरह से लाल कर लेना है। अब इसमें हरी मिर्च भी डालकर भून लेना है। नमक और हल्दी भी डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छे से भून लेना है, आंच को मीडियम ही रखना है। अब प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देना है। अब इसमें
कटे हुए टमाटर भी डाल देना है। पाँच मिनट के लिए इसे ढक देना है ताकि टमाटर गल जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल गया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब बैंगन को भी अच्छी तरह से मैश कर देना है। मैश किए हुए बैंगन को मसाले में डाल देना है। बैंगन को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब बैंगन मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर देना है। इस तरह से हमारा सुपर डिलीशियस बैंगन का भरता सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप रोटी, लिट्टी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।